सब्सक्राइब कीजिए शोक टेक्निकल चैनल और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो पाने के लिए सबसे पहले। हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? वेलकम टू अशोक टेक्निकल। जरूरत से ज़्यादा मिले उसको नसीब कहते हैं, जरूरत से ज़्यादा मिले उसको नसीब कहते हैं। भगवान का दिया सब कुछ हो फिर भी रोता है उसको बदनसीब कहते हैं। भगवान का दिया सब कुछ हो फिर भी रोता है उसको बदनसीब कहते हैं। और कुछ भी ना होकर खुश रहता है उसको खुश नसीब कहते हैं। इसलिए दोस्तों, खुश रहिए, आबाद रहिए और लगातार अशोक टेक्निकल पे शानदार वीडियो देखते रहिए। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आया बहुत ही शानदार कैशबैक ऑफर, वो है पोस्टपेड। आप अपना पोस्टपेड बिल भरिए, उस शानदार 150 रुपये कैशबैक पाइए। आपको किस प्रकार मिलेगा मैं स्टेप बाई स्टेप समझाऊंगा, उसके लिए आप वीडियो पूरा देखते रहिए। सबसे पहले चलते हैं फ्रेंड्स हम प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद एप्लीकेशन जिसका नाम है फ्री चार्ज, इस प्रकार की एप्लीकेशन है, उसको आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद डाउनलोड करके साइन अप करना, जिसके पास पहले से उसको नहीं करना है। मेरे पास पहले से, तो मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। इस प्रकार की एप्लीकेशन दोस्तों आपके सामने ओपन होगी, उसमें जाना है आपको मोबाइल पे। मोबाइल पे जाके यहाँ पे आपको अपना पोस्टपेड नंबर लिखना है जो आप बिल भरना चाहते हो। जैसे मैंने लिख दिया, ये लिख के कंटिन्यू कर दिया। यहाँ पे मुझे चेंज करना है क्योंकि प्रीपेड आ गया, इसलिए पोस्टपेड पे करना है, ऑपरेटर करना है एयरटेल पोस्टपेड और इसको डन कर देना है। यहाँ पे आपको अमाउंट लिखना है, जो भी आपका बिल अमाउंट है, मैंने लिख दिया जैसे 500 रुपये, इसको कंटिन्यू कर दिया। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों आपके सामने आ जाएगा प्रोमो कोड, यहाँ पे आपको एक प्रोमो कोड लगाना है। प्रोमो कोड है POST, पोस्ट करके इसको अप्लाई कर देना। ये देखिए दोस्तों, मेरा प्रोमो कोड सक्सेसफुल अप्लाई हो गया, मुझे 150 रुपये कैशबैक मिलेंगे। इस प्रकार आप भी अपना पोस्टपेड बिल भरे और शानदार 150 रुपये कैशबैक पाए। प्रोसेस टू पे करके आप डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या UPI से अपना पेमेंट कर सकते हैं और शानदार कैशबैक ऑफर पा सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और अपनी प्यारी प्यारी बातें कमेंट्स में ज़रूर लिखें। जय हिंद।